जैसे आप कैमरा टर्न करोगे आप सबसे डरावनी चीज देखोगे। कैसे हो आप लोग, होप सो कि आप सब सेफ हो, सेफ और बेस्ट नहीं हो तो रेस्ट करो और हमेशा की तरह हमारे व्लॉग को एंजॉय करो। मैन आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों बाद हम ट्रैवल करने वाले हैं। छोटे छोटे हमें जाते थे इधर कुछ 10 किलोमीटर 15 ज़्यादा से 50 किलोमीटर, आज हम जाने वाले बेटा बहुत दूर क्योंकि आज हम जाने वाले हमारे गाँव यानी कि अमरावती। जो व्यूअर्स मेरे पहले वीडियो से मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने इस व्लॉगिंग की जर्नी अमरावती से स्टार्ट की थी। घूमने जा रहे हैं, मस्त मज़ा आने वाला है और बस अभी मैं घर पे शूट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, मतलब करता हूँ घर पे शूट पर बातें नहीं करता कभी आपसे, तो फर्स्ट टाइम बातें भी कर रहा हूँ। एंड अभी कंडीशन ऐसी है कि अभी बजे है कुछ 2:30 हो रहा है, हमारे पुणे से 5:40 को ट्रेन है, यहाँ से हमने गाड़ी बुक की है, फोर व्हीलर लोकल बंद है इसलिए अभी करना पड़ता है। तो गाड़ी आई है, घर वाले मम्मी पापा दोनों बैग लेके चले गए नीचे, उनकी स्पेशली, और मुझे अभी 3 बैग लेके जाना है नीचे। मेरे रुके थे क्योंकि अभी व्लॉगिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, तो करना पड़ता है ठीक है। तो बस एंजॉय करो वीडियो को, बहुत मजा आने वाला बहुत। ओके चलो भाई। सो गाइस अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड बहुत आई थिंक 10 किलोमीटर हमने पार कर लिया होगा और मैंने अभी फ्रेम शूट कर रहा हूँ क्योंकि तब बैग वगैरह गाड़ी में रखना था एंड ऑल दैट स्टफ। सो बस अभी एग्जैक्ट 3 PM हो रहे हैं एंड 5:30 को हमारी ट्रेन है पुणे से। सो अभी लोनावले से पुणे अगर आप बाइक से जाते हो कार से जाते हो तो आपको 2 घंटे लगते हैं, तो अभी हम शायद से 5 बजे के अंदर पहुँच जाए, होप भी करते हैं, अभी देखते हैं 5 बजे तक पहुँचनी चाहिए हम, और बारिश तो बहुत है, अब ये देखते कि उधर पुणे, होप करते कि पुणे में बारिश ना हो क्योंकि हमने रेनकोट तो कैरी किए नहीं, ऑब्वियसली बैग्स भी वाटरप्रूफ नहीं है तो पानी नहीं जाना चाहिए, तो देखते भी कैसा हाल है, क्या कहाँ तक पहुँचते हैं। सो मम्मी पापा है साथ में, मम्मी सो गई थी तुम्हें सोप ले गए मम्मी तो सो गई थी, तो ठीक है चलो अभी बड़बड़ कम करते हैं, मम्मी को भी सुन देते हैं और आप भी ज़रा ध्यान में रखो। और ये हमारे साथ हमारे अंकल जो ड्राइव कर रहे हैं, ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि पहुँचना है जल्दी से। सो बहुत मज़ा आ रहा है, कम्फर्टेबल ड्राइव है, सब ड्राइव अच्छी है, सफ़र तो अच्छा चालू है, सोप सो के आगे भी सफर अच्छा। ओके चलो मिलता आपको नेक्स्ट फ्रेम में गाइस। सो अभी कुछ 3:50 हो गए एंड अभी हम दापोड़ी के पास है, मतलब पुणे स्टेशन से सिर्फ 9 किलोमीटर्स है और मैप में हाफ एन आवर बता रहा है, बट अभी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते उसको, बहुत रुते कि अभी हाईवे का रास्ता ख़त्म हो चुका है, अभी हमें ज़रा मतलब स्ट्रीट्स वगैरह से रास्ते गली गुल्ली से निकलना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा डर बस ट्रैफिक का होता है जो कि अभी से शुरू हो चुका है। सो 9 किलोमीटर से है और देखते हैं अभी पहुँच पाएंगे ना, अगर अंदाज से मतलब मैप पर भरोसा रखे तो अभी 4:30 तक पहुँच जाएंगे। सो गाइस हम फाइनली पुणे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, आई डोंट नो कि मेरा आवाज़ आपको ऑडिबल होगा कि नहीं होगा कि यहाँ पे अनाउंसमेंट है, आपको पता है कि जब हम स्टेशन पे आते तो कितनी भीड़ होती है। सो हम अभी कितने बजे, अभी 4:30 बज रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड टाइम से भी आधा घंटा जल्दी आ गए, बहुत ही अच्छे हमारे मतलब जो ड्राइवर थे जो अंकल थे वो बहुत ही सही थे,
एंड जो हम गाड़ी से है वो सुजल ट्रांसपोर्टेशन, बट वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहे हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दूंगा। मुंबई पुणे लोनावाला कहीं भी हो आप ड्राइवर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस है। सो अभी हम यहाँ इस जगह पे रुके, आपको मेरे पीछे देख सकते हो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ वो अभी प्लेटफॉर्म के नीचे उतर रहे, सॉरी ये मतलब हाईवे टाइप क्या, ये ब्रिज टाइप है। अरे कहना क्या चाहते हो, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। सो हम उतरे नहीं इसलिए क्योंकि हमें पता है कि शायद हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 5 पे लगेगी, बट कंफर्म नहीं है। यहाँ पे हम देख के कि कमियार ये कहाँ लगते हैं उस हिसाब से हम नीचे जाएंगे, क्योंकि एक बार नीचे चले गए फिर अगर प्लेटफॉर्म चेंज हो गए वापस ऊपर आओ। हमारे पास टोटल 6 बैग्स है एंड 3 लोग 6 बैग, ऊपर से मम्मी पापा भी है साथ में अभी, तो मतलब मम्मी है, मम्मी को ज़रा प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग में थोड़ा लगेज वगैरह का। सो इसलिए अभी रुके, ठीक है अभी ऊपर रुकते देखते अभी कौन सा फॉर्म मिलता है। तो चलो अभी वापस मास्क पहनने की बारी है क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। चलो मिलते बाद। सो भाई अभी हमारा कुछ नहीं, मुझे लगा मेरे गाड़ी का अनाउंसमेंट है, सो इट्स ओके इज फाइन, कोई और गाड़ी का अनाउंसमेंट है। सो अभी हमें प्लेटफॉर्म पता चल गया, सो इस प्लेटफॉर्म नंबर 5, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारा मतलब 5 पे सब सामान वगैरह रख दिया है। अरे मेरे को जोर के टॉयलेट लगे, सो मैं बस अभी टॉयलेट ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूँ, और बस जल्दी मिल जाए नहीं तो और गाड़ी आ जाएगी फिर मैं चढ़ नहीं पाऊँगा यार। ऐसा शायद मुझे आगे दिख रहा टॉयलेट है, दिख गया। आप देख सकते हो ये जेंट्स टॉयलेट, ये ताला लगा है, क्या पता मतलब अभी क्या ही बोले, लगाया ताला क्यों लगाया, ये ताला लगाने का सिस्टम मुझे नहीं समझा यार। सो इसकी ज़रा ये ध्यान रखा जाए कि अगर टॉयलेट रखते हो तो हर एक प्लेटफॉर्म पे रखो, और अगर हर एक प्लेटफॉर्म पे है तो ओपन करो यार, रोज़ रखने में कुछ फ़ायदा नहीं है। सो अभी मुझे तो कंट्रोल ही करना पड़ेगा जब तक गाड़ी नहीं, गाड़ी के टॉयलेट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी हमें किसी और प्लेटफॉर्म में चले जाओ तो वो बहुत रिस्की है, शायद मेरी गाड़ी भी आ जाए। तो कोई नहीं, कंट्रोल कर लेंगे, इतनी भी कुछ नहीं, सह लेंगे, अभी सहना तो पड़ेगा ही। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सब लेडीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सब लेडीज़ को टॉयलेट में जाना है बट ताला है वहाँ पे। सो ये बहुत गलत बात है, सो इस पर ध्यान दिया जाए, मेरा तो बस यही कहना है। तो चलो वापस, अभी मुझे बहुत चलते हुए जाना पड़ेगा, एंड पे आ गया था भाई, और टॉयलेट इधर इस प्लेटफॉर्म की इस एंड पे एंड हमारा डिब्बा उस एंड पे, तो चलो अभी बहुत चलना पड़ेगा वापस, क्या यार मूड खराब हो गया। सो गाइस अभी हम हमारे कोच में आ चुके हैं, ट्रेन ऑन टाइम, और आते ही सबसे पहले वॉशरूम जाऊंगा क्योंकि मेरे पापा को पता है वो जाते नहीं आए, तो वॉशरूम जाऊंगा, ज़रा रिलैक्स हूँ, मुंह धो लेते हैं फिर आराम से बैठते। सो गाइस अभी मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देता हूँ हमारे कोच का, हमारी सीट को ट्रेन का कैसा, तो चलो मेरे साथ आपको ज़रा दिखा दूँगी, इतना कम्फर्ट लेवल है, ऑलमोस्ट ए सी हो गया तो चिल वातावरण है, ठंडी नहीं बची गर्मी नहीं हुई, आराम मजा मजे नहीं। सो ये हमारा बर्थ है 13, 11 एंड 12। सो गाइस अभी हम मस्त हमारी सीट पे बैठे हैं, और जैसे ही बैठे आपको पता है कि मुझे ज़रा भूख लग जाती है, सो ये मस्त मैगी बनाई है मुझे, घर से बना के लाई है, सो ये मस्त मैगी खाऊंगा ज़रा, और फिर ज़रा सफ़र का एंजॉय करेंगे, ट्रेन रुके तो मतलब खा लूँ, तो बाद में फिर ट्रेन के बीच खाना खाने में ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो मस्त मैगी मस्त विंडो सीट है, मज़ा करेंगे। ये देखो मैगी, द आर्ट द आर्टिस्ट। सो गाइस अभी हमें सफ़र करते करते कुछ 1 से 2 घंटे का मतलब ट्रेन में सफ़र करते करते एंड अभी हमने कुछ ज़्यादा नाश्ता वगैरह किया। सो मैं जस्ट अभी हाथ धोने आया था और एक छोटी सी फ्रेम शूट की थी मैंने, बट तब मतलब विदाउट माइक शूट की थी, पर आवाज़ बहुत ही मतलब फर्स्ट आवाज़ था, मुझे कुछ सुन नहीं रहता मैंने क्या बोला, तो माइक कनेक्ट किया है बट हवा बहुत तेज़ी से, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हो ये गेट है मतलब उधर भी था पर ये ज़्यादा खुला हुआ है, तो हवा बहुत ज़ोरों से हवा आ रही है एंड आई एम वेरी स्टूपिड कि मैं फिर से उसी डायरेक्शन में जाके आपसे बातें कर रहा हूँ, तो अभी शायद ये ठीक होगा, अभी और तेज़ भी कर लेंगे कि ये माइक सच्ची एटमोस्फियरिक मतलब जो वॉइस रहता है उसको कितनी तरह से कंप्रेस कर पाएगा। सो बस इतनी टेस्टिंग हो गई। हाँ अभी सर यहाँ बातें करते हैं, अभी पहले देखा कि सब टॉयलेट बंद है क्या, नहीं तो फिर डर जाएंगे लोग कि कौन अकेले अकेले बड़बड़ कर रहा है, क्या हो गया इसको, पागल तो नहीं हो गया अंदर कोई रहा तो। सो इधर आ गया मैं, उधर बहुत आवाज़ आता था, आपको क्लियर नहीं सुनाई देगा। सो बहुत अच्छा व्यू था, मतलब व्यू तो बहुत नॉर्मल था बट वो कहते हैं ना कि नॉस्टैल्जिक फील होता है, क्योंकि यार कोरोना की वजह से सालों हो गए ट्रेन में सफ़र ही नहीं किया,
सुबह ना पहले बहुत मजा आता था, लोकल में ट्रैवल करते थे, पुणे मुंबई जाना हो कहीं जाना हो मस्त, फिर खिड़की पे बैठते थे विंडो सीट, या जैसे आप दरवाजे पे हम खड़े रहते थे व्यू देखते थे, बहुत मजा आता। और वो नहीं पा रहा, कोई नहीं, होप्स हो कि सब जल्दी ठीक हो जाए। और मैं अभी मेरे मैं जैसे आप कैमरा टर्न करोगे आप सबसे डरावनी चीज़ देखोगे, मतलब हर चाइल्ड जो भी बच्चा रहता है उसके चाइल्ड की सबसे हॉरिबल चीज़ वो है ये, ये जो आप देख रहे हो सच्ची बताना, बचपन में सबकी पट्टी होगी ऐसे गुजरने में, क्योंकि हमेशा लगता था कि एक इसमें से एक हिस्सा आगे जाएगा दूसरा पीछे जाएगा और तुम नीचे जाओगे, लिटरली फट्टी थी। मैं भी बहुत, मतलब जब तक अक्कल नहीं उससे भी बहुत आगे, मतलब जब सच्ची 9th 10th में गया हूँ मैं तब से क्रॉस करना चालू किया है, और वो भी पहले इनिशियली मम्मी पापा का हाथ पकड़ के चालू किया है, तो फट्टी थी। और अभी भी दिल से बताओ कितनी बड़े हो जाओ तुम, इधर से गुजरने में एक बार तो दिल में धक धक होती है। एंड बस सो मैंने सोचा कि अभी शूट कर लूँ, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो बाहर का व्यू दिखेगा नहीं, सो जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं ट्राई करूँगा। अब देखते हैं कैमरा कितनी जस्टिस करता है आपके ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाने की, सो ज़रूर देखना। अभी रात के बज रहे हैं कुछ 9:45, हमारा सबका खाना बन के हो चुका है, अब सब सो गए, बस हमारे तो इधर के पूरे लाइट्स बंद है, ये जो आपको उजाला दिख रहा है वो तो बर्फ का उजाला है, एंड आई थिंक अभी ये भी लाइट्स ऑफ हो जाएंगे तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, तो मैं तो दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने फ्रंट ये मतलब आगे का आपको शूट दिखा रहा हूँ। गुड नाइट दोस्तों, ओके चलो बाय। आगे से राइट, आगे से लेफ्ट लेना, अभी आगे से राइट लेना, अभी ये वाला लेफ्ट लेना, लेफ्ट से राइट लेना, राइट बस ये वाला लेफ्ट लेना, एक लेफ्ट लेफ्ट। गेट पे आगे के गेट पे रुको ना, आगे के गेट पे सो गाइस फाइनली हम हमारे घर पे पहुंच चुके हैं, अभी 10:30 बज रहे हैं एंड मतलब 6:30 बजे पहुंच गए थे, बट फिर मतलब फैमिली है सो बहुत दिनों बाद महीनों बाद मतलब सालों बाद मिले, सो बहुत बातें वगैरह हुई एंड फिर ब्रेकफास्ट किया साथ, सब ने साथ में चाय वगैरह पी, तो बातों में टाइम कैसा गया पता ही नहीं चला, वीडियो नहीं बना पाए, उसके बाद नहाए वगैरह, तो अभी किधर शांति से कहीं बैठे तो सोचे चलो आपको एक मतलब बाय बाय करने के लिए एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि वीडियो की एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए ना, तो अभी देखेंगे, अभी इसके बाद थोड़ा आराम करेंगे नहीं तो एडिटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हम रुकते हैं तो बहुत सारा कंटेंट प्री प्लान्ड है एग्जीक्यूट करना है, सो बहुत ही बिजी शेड्यूल होने वाला है, तो बस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आएंगे तो स्टे ट्यून, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो पता ही आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही होता है, और होप्स हो कि पसंद आएगी, क्योंकि ज़रा कुछ अलग था। ओके चलो बाय गाइज़।